हेलो दोस्तों, पूरब खमकर द टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ब्लैंकेट को कैसे धोएं और धोने से पहले उसके अंदर की डस्ट को कैसे निकालें। और अगर आपके यहाँ पानी की समस्या है तो वॉशिंग मशीन में बिना डोर ओपन करे ऊपर से पानी कैसे ऐड करें, तो ये दोनों बातें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बिना स्किप करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है हमारा वो ब्लैंकेट जो आज की वीडियो में हम वॉशिंग मशीन में धोने वाले हैं। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो यह 6x7 फीट का ब्लैंकेट है, मतलब ये बिग साइज वाला ब्लैंकेट है। हम सभी जानते हैं कि ब्लैंकेट में काफ़ी डस्ट होती है, तो मशीन में डालने से पहले हम इसकी डस्ट पानी में निकाल लेते हैं, क्योंकि ये ब्लैंकेट हमने सीधा मशीन में डाल दिया तो मशीन डस्ट के कारण ख़राब भी हो सकती है। अब सबसे पहले आपको एक टब में पानी लेना है जिसमें ये वाली ब्लैंकेट अच्छे से भीग जाए, और आपको ये कम से कम 10 से 15 मिनट इस तरह से भिगो के रखना है और बीच बीच में ब्लैंकेट को हिलाते रहना है। 10 मिनट तक आपको ये पानी में रखना है, और इसी तरह आपको दो बार करना है फ्रेश पानी में ब्लैंकेट को रखने के बाद। और आप देख सकते हो हर बार पानी इस तरह से गंदा हुआ दिखेगा आपको। ये पानी जो हमने साफ़ सुथरा लिया था, ये इतना डस्ट वगैरह ब्लैंकेट में से पहले ही निकल जाती है। सोचिए ये पानी मशीन में रहता तो कैसे क्या होता था। अब तीसरी बार हमें साफ़ पानी लेना है फिर से, और उसमें 2 चम्मच पाउडर ऐड कर देना है। पाउडर ऐड करने के बाद में उसका काफ़ी झाग बना लेना है, क्योंकि पाउडर में जो पार्टिकल होते हैं ये जल्दी घुलते नहीं है पानी में। तो आप पहले ब्लैंकेट डालने के पहले से अच्छी तरह से घोल लीजिए। काफ़ी झाग होने के बाद में आपको ये ब्लैंकेट इसके अंदर डाल देना है, और करीब 20 मिनट तक आपको इसी के अंदर ब्लैंकेट को रहने देना है। अब 20 मिनट के बाद में ब्लैंकेट को झाग वाले पानी से निकाल लीजिए, पानी फेंक दीजिए और ब्लैंकेट को मशीन के अंदर डाल दीजिए। आप देख सकते हो झाग वाले पानी में भी काफ़ी डस्ट निकल चुके थे। यहाँ पर हमने ब्लैंकेट डाला हुआ है अंदर, और अभी मशीन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने के पहले हम एक बार पानी का प्रेशर चेक कर लेंगे। ये प्रेशर मशीन चलाने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। ओ, इतना जो प्रेशर आ रहा है ये तो नहीं चलेगा मशीन चलाने के लिए, तो हमें ऊपर से पानी डालना पड़ेगा। अब ऊपर से पानी डालने के पहले हम मशीन को सबसे पहले पावर ऑन कर देंगे। पावर ऑन करने के बाद हमें सिलेक्ट करना होता है ब्लैंकेट वाला मोड। तो ब्लैंकेट वाला मोड होता है कॉटन के लिए, या फिर एक कॉटन आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में गर्म पानी हमें रखना है ताकि कपड़े अच्छे से निकल सके। बाकी कोई सेटिंग हमें ऐड नहीं करना है, और बबल सोक भी हमें नहीं करना है। बबल सोक मतलब भिगो के रखना, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 बार पानी में बाहर भिगो के रखा हुआ था ब्लैंकेट, तो ये हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें टाइम बढ़ जाएगा। ऑलरेडी 3 घंटे के आसपास टाइम है इसमें, तो हम यहाँ से अभी स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पानी आना शुरू हो जाएगा, तो जब पानी शुरू होगा तब हमें पानी ऊपर से डालना होता है। अभी देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दिया। लाइट ब्लिंक होता है मतलब मशीन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही मशीन ने पानी पीछे से लेना शुरू किया था, तभी हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। आप पानी पाइप लगा के भी डाल सकते हो, या फिर बाहर से जग या मग्गे से पानी डाल सकते हो। जहाँ पर आप पाउडर डालते हो वहाँ पर ही पानी डालिए, और पानी तब तक डालते रहिए जब तक मशीन पीछे इनलेट वॉल से पानी लेते रहती है, तब तक ही आपको पानी ऊपर से डालते रहना है। अगर पाइप आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से मग्गे से पानी डाल सकते हो, लेकिन केयरफुल से डालिए। पानी अगर इधर उधर गिर जाता है तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है, तो ध्यान से पानी डालिए। देखिए इसमें पानी जैसे हम बाहर से ऐड कर रहे हैं पाइप से, तो यहाँ पानी काफ़ी स्पीड में भर रहा है, मतलब हमारा टाइम भी बच जाएगा पानी भरने वाला, और जो पानी की समस्या थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ अभी पानी चल रहा है, जब तक मशीन पानी लेते रहती है, आपको यहाँ पर अंदर की साइड में दिखेगा कि पानी ले रही है नहीं ले रही मशीन। जब तक पानी ले रही है तब तक हमें पानी ऊपर से डालते रहना, और जैसे ही प्रेशर सेंसर हमें ये बता देता है कि पानी का लेवल भर चुका है, मतलब इनलेट वॉल बंद हो जाएगा, तो आप समझ जाइए कि मशीन ने पानी लेना बंद कर दिया है। तो आप भी ऊपर से पानी डालना बंद कर दीजिएगा, और जैसे पहले पानी छोड़ देती है फिर पानी लेती है तब फिर पानी आप डालिए। ये देखिए फिर से मशीन ने अभी कपड़े धोना
शुरू कर दिया है, इसका मतलब पानी शायद बंद हो चुका है मशीन ने लेना। तो अगर मशीन पानी लेना बंद कर देती है तो हम भी पानी डालना बंद कर देंगे। यहाँ से हम पाइप निकाल लेते हैं और ये जो बॉक्स है इसे हम अंदर लगा देंगे, क्योंकि मशीन ने भी पानी लेना छोड़ दिया है और जो मशीन में पानी आ रहा था वो ये पाइप से आ रहा था। ये पाइप आपको हमेशा मशीन के अंदर लगा के रखना है पीछे की साइड में, ताकि आपको ये मालूम पड़ता रहे मशीन कब कब पानी ले रही है। वैसे अगर पाइप नहीं भी लगा हुआ रहता है तो इनलेट वॉल पर आप हाथ लगाकर चेक कर सकते हो, ये वाइब्रेश होता है। जब भी पानी लेती है मशीन तब इनलेट वॉल वाइब्रेट होते रहता है। अभी ये प्रोसेस चलने देंगे हम वॉशिंग की, जब तक मशीन दूसरा पानी लेती नहीं है, क्योंकि ये पानी फेंकने के बाद में फिर दूसरा पानी लेगी, तब तक हमें कोई पानी नहीं डालना है। अभी ये देखिए, अभी वॉशिंग साइकिल इस तरह से चलती है। जो हमने झाग वाले पानी में ब्लैंकेट भिगो के रखा था वो झाग वाला पानी भी यहाँ निकल रहा है। ये मशीन में एक्स्ट्रा डोर दिया हुआ है ताकि आप चलते मशीन में अंदर कपड़े डाल सकते हो। ये वाला डोर ओपन करने के बाद हो सकता है आपके मशीन में ये डोर नहीं है, इसलिए इसको आप इग्नोर कर दीजिए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर पानी काफ़ी गंदा हो चुका है और ये उसने पहला वाला पानी बाहर निकाला, देख सकते हैं आप कितना गंदा पानी है। पूरा पानी बाहर निकलने के बाद में फिर जब मशीन सेकंड टाइम पानी लेगी तब हमें वापस से उसी जगह पर पानी डालना है जहाँ पर हमने पहले पानी डाला हुआ था, लेकिन मशीन को पहले पानी लेने दीजिए। अब पहला वाला जो पानी निकालने के बाद में ये वॉश साइकिल बंद हो चुकी है और रिंस वाली साइकिल ब्लिंक हो रही है, उसके बाद में फिर स्पिन हो जाएगा। अभी 1 घंटा 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है हमारे पास और ये इसी तरह से ब्लैंकेट को थोड़ा घुमा के रखेगी, घुमाते रहेगी ताकि जो इसके अंदर खराब वाला पानी था वो पूरा निचोड़ सके। और उसके बाद में फिर यहाँ पर पानी स्टार्ट हो जाएगा जो अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, मशीन रोकने के बाद में फिर पानी आना शुरू हो जाएगा। अभी भी ये पानी बाहर निकाल ही रही है पहला वाला, तो पूरा पानी निकलने के बाद में मशीन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद में फिर नया पानी लेना शुरू करेगी। अब मशीन सेकंड टाइम पानी ले रही है, जब ये पानी आ रहा है तभी हम फिर से ऊपर से पानी डालेंगे पाइप लगाकर। मैं आपको फिर से बता दूं कि पानी हमको तब तक ही डालते रहना है जब तक मशीन पानी लेते रहती है पीछे के इनलेट वॉल्व से, ओके। और पानी डालते टाइम हमेशा सावधानी रखिए, क्योंकि अंदर अगर पानी इधर उधर चले जाता है तो मोटर के ऊपर या फिर किसी पार्ट्स के ऊपर पानी गिर सकता है। तो पानी जब आप ऊपर से डाल रहे हो तो उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना भी कि पानी इधर उधर उड़ते रहे। पानी सीधा ड्रम में जा रहा हो धीरे धीरे, उसी तरह से आप पानी डालिए, या फिर सबसे बेस्ट होता है आप मग्गे से या जग से पानी डालिए, ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि पाइप से हो सकता है पानी का प्रेशर ज़्यादा हो तो पानी इधर उधर भी जा सकता है। अभी हम सेकंड टाइम पानी डाल रहे हैं अंदर और मशीन ने कपड़े घुमाना शुरू कर दिया है। थोड़ा पानी डालते रह गए हम ताकि जब तक मशीन खुद पानी लेना बंद नहीं कर देती है, और इसके बाद में फिर ये 10-15 मिनट चलेगी सिर्फ और पहला पानी निकाल देगी, मतलब ये सेकंड वाला पानी रहेगा, सेकंड वाला पानी भी बाहर फेंक देगी। अब पानी बंद हो चुका है तो हम यहाँ से बंद कर देंगे और इसने थोड़ी देर के बाद मतलब 15 मिनट के बाद में पानी दूसरा वाला छोड़ दिया है। ये सेकंड टाइम पानी है और अभी आप पानी का कलर देख सकते हो, थोड़ा साफ सुथरा है, पहले वाला पानी काफ़ी ख़राब था। फिर से ये रिंस करेगी, मतलब कपड़ों को पूरा निचोड़ के रखेगी ताकि पूरा जो गंदा पानी बचा हुआ है ये सारा बाहर निकल जाएगा। और रिंस में करीब 2 से 3 बार पानी लेती है, 1 टाइम वॉशिंग में और 2 या 3 टाइम रिंस में। देखिए आप, फिर से पानी शुरू हो चुका है, हम फिर से पानी डालेंगे। जब तक ये रिंस चलते रहता है तब तक ये मशीन पानी लेते रहती है। हम फिर से अभी ये 3री बार पानी अंदर डाल रहे हैं। मशीन ने कपड़े घुमाना फिर से शुरू कर दिया है और जब तक ये रिंस साइकिल चलते रहती है ये वाली, तब तक आपको मशीन में पानी डालते रहना है। अब मशीन ने पानी लेना बंद कर दिया तो हमने भी पाइप यहाँ से निकाल दिया है। देखिए अब मशीन में कोई पानी नहीं आ रहा है, तो जब पानी बंद हो जाता है यहाँ मशीन में से तब आपको पाइप भी निकाल लेना है, नहीं तो आप पानी डालते रहोगे और मशीन सेंस करेगी पानी ज़्यादा हो गया और सब सेटिंग ख़राब हो जाएगी। अब ये उसने 3री बार पानी बाहर निकाला हुआ है।
अभी आप देख सकते हो पानी का कलर बदलते रहता है हर वॉश में। पानी निकलने के बाद में भी अगर मशीन में ये वाला लाइट चालू है, अभी भी ब्लिंक कर रहा है, मतलब मशीन और पानी लेने वाली है। इसका मतलब ये टोटल 4 बार पानी लेगी ब्लैंकेट वगैरह के लिए। अगर आप मिक्स कपड़े डालते हो, पैंट शर्ट वगैरह, तो इसमें सिर्फ 3 बार ही मशीन पानी लेती है, 1 बार धोने के लिए और 2 बार खंगालने के लिए। लेकिन ब्लैंकेट में 1 बार धोने के लिए और 3 बार खंगालने के लिए पानी लेती है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो पानी फिर से शुरू हो चुका है। और अब हम इस बार क्या करते हैं कि बकेट में पानी लाया हुआ है और इस जग से हम पानी धीरे धीरे अंदर डालते हैं, ताकि आपको दोनों तरफ से पानी कैसे डाला जाए, मतलब पाइप से भी और जग से भी, वो आपको मालूम पड़े। तो इस तरह से पानी डालते रहिए जब तक मशीन भी पानी लेते रहती है। ये आपको ज़्यादा खोलना नहीं है, डिटर्जेंट बॉक्स थोड़ा ही खोलिए, जितना आप पानी डाल सकते हो उतना ही खोलिए। इस तरह से आप पानी डालते रहिए तब तक जब तक मशीन पानी लेते रहती है। और ये 4थी बार पानी है ब्लैंकेट के लिए, मतलब कॉटन वाले मोड के लिए 4थी बार पानी लेती है। अब ये मेरे हिसाब से लास्ट वाला पानी होगा, इसके बाद में कपड़े सिर्फ ड्राई होते रहते हैं। अब ये 4थी बार पानी डालने के बाद में फिर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पानी हमने डाल दिया है, इसको ठीक से आप लगाइए ताकि ओपन ना रहे। मशीन ने भी कपड़े घुमाना शुरू कर दिया है और यहाँ लाइट रेंस वाला ही अभी भी ब्लिंक हो रहा है। ये 4थी बार पानी उसने बाहर निकाल दिया। करीब 10-10 मिनट लगते हैं पहले पानी, दूसरा पानी, तीसरा पानी निकालने में। अभी देखिए दोनों लाइट बंद हो गए, वॉश और रेंस वाला। अभी सिर्फ स्पिन वाला लाइट बचा हुआ है और 19 मिनट बचे हुए हमारे। तो अभी ये ड्राई करेंगे सिर्फ कपड़ों को, और अब पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप नल बंद कर सकते हो इस वक्त, जब वो स्पिन का लाइट ब्लिंक करता है, आपको अगर नल बंद करना है तो आप बंद कर सकते हो। अब मैं आपको लास्ट वाली प्रोसेस बता देता हूँ कि लास्ट में क्या होने वाला है। 17 मिनट तक मशीन चलेगी अब, और ये लाल वाला लाइट और ये ब्लू कलर का जो ब्लिंक हो रहा है, ये दोनों बंद हो जाएंगे। यहाँ पर ये पूरा डिस्प्ले बंद हो जाएगा एक म्यूजिक बजने के बाद। फिर आपको ये डोर ओपन करना है और कपड़े बाहर निकाल लेना है। अब देखिए 17 मिनट के बाद हम फिर से आते हैं यहाँ, तो 1 मिनट बचा हुआ है लास्ट वाला, और ये अभी कपड़ों को अलग अलग करने की कोशिश कर रही है मशीन। लास्ट का जो 1 मिनट बचा रहता है उसमें मशीन कपड़ों को अलग अलग करने की कोशिश करती है, ताकि कपड़े एक दूसरे में ना अटके। लेकिन मशीन को क्या पता है कि ये ब्लैंकेट है एक ही, अलग अलग कपड़े नहीं है। तो 1 मिनट के बाद में यहाँ पर एक म्यूजिक बजेगा। म्यूजिक बजने के बाद ऊपर जो लाइट ब्लिंक हो रहा है उसके नीचे रेड कलर का लाइट है, दोनों बंद हो जाएगी। देखिए आप देख सकते हो दोनों लाइट बंद हो चुके हैं और 0 आ गया है टाइम। तो यहाँ पर अभी 0 आने के बाद हम मशीन को ऑफ़ कर देंगे, या फिर ये खुद ही ऑफ़ हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अब हमको क्या करना है, डोर ओपन करना है। डोर ओपन करने के बाद में हम इसका रिजल्ट देखेंगे। वाओ, काफ़ी अच्छे तरह से वॉश हुआ है हमारा ब्लैंकेट, और कलर भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम इसे बाहर निकाल कर देखते हैं। और ड्राई भी ये काफ़ी, मतलब करीब 95-98% ये ड्राई हो चुका है। अगर वैसा कहना जाए तो ये 100% ही लग रहा है मुझे जो ड्राई हो चुका है अंदर। और जैसे ही आप बाहर निकालते हो इसे यूज़ कर सकते हो, इतना ड्राई हो चुका है ये, 100% ये ड्राई हो चुका है। फिर भी हम इसको अभी थोड़ा धूप में डाल देंगे ताकि इसमें जो भी पानी की नरमाई है वो निकल जाए। आज की वीडियो में हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, एक तो ब्लैंकेट कैसे धोए और ऊपर से पानी कैसे ऐड करें, और जो भी हमने मेहनत ली इतने ब्लैंकेट वॉश करने में उसका रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा आया हुआ है। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ब्लैंकेट क्लीन किया है वॉशिंग मशीन में, इसके पहले मैंने किया नहीं था, लेकिन एक आइडिया थी कि इस तरह से ब्लैंकेट वॉश किया जाएगा। तो आप देख सकते हो उसका कलर भी कोई डल नहीं हुआ है, और काफ़ी ड्राई भी हुई है, काफ़ी अच्छे तरह से वॉश भी हुई है। मुझे YouTube पर काफ़ी कमेंट आए थे कि आप एक बार ब्लैंकेट डोकर बताइए, तो इस बार मैंने फ्रंट लोड का बताया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो मेरी टॉप लोड पर आने वाली है, टॉप लोड में ब्लैंकेट कैसे धोए। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने अलग अलग तरीके से कपड़े कैसे धोए, उसमें सेटिंग कैसे करें वॉशिंग मशीन में, टॉप लोड में, फ्रंट लोड में, वो सारी वीडियो बनाई हुई है, और उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और हाँ, आज का ब्लैंकेट वॉशिंग रिजल्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।